लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंफिनिटी मैथ पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की थी। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 में क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 में जो मेन टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है आइए देखते हैं, हम समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपल होता है, कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना बेसिकली क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू 2 1 3 1 4 5 और अगर इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है तो क्या करना है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रांसपोज लेना इट मींस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 1 4 5। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लेना तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए टी या फिर ए डैश, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए टी या फिर ए डैश। तो देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है फर्स्ट रो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए 2 1 3 2 1 3 और ये जो सेकंड रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 1 4 5। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रांसपोज है इस गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या था इस मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर 3। ठीक है, कितनी रो थी, 2 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, 3 रो हो गए तो कॉलम कितना हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। एक और एग्जांपल देखिए, बी इक्वल्स टू आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3। ठीक है, अगर इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो कैसे लेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, या तो बी टी या फिर बी डैश। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो देखिए रो में लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, ट्रांसपोज लेना इट मीन रो को कॉलम में कन्वर्ट करना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर क्या था, 1 क्रॉस 3 1 रो एंड 3 कॉलम। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 3 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो आगे समझ में, ऑल द रिजल्ट नोटेड डाउन। आइए देखते हैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स वापिस से आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लो तो उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है और उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेना मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी वापिस वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है अगर उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर नेगेटिव ऑफ ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है गिवन मेरे पास
ए इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, टू माइनस थ्री माइनस थ्री फाइव वन वन फोर फोर एंड सेवन, ये मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, टू माइनस थ्री वन माइनस थ्री फाइव फोर वन फोर सेवन। अब मैं इसका क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो देखिए क्या आ रहा है, ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज लेना मतलब क्या, सिंपल सी बात है, क्या करना है, इस रो को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखिए टू माइनस थ्री वन, टू माइनस थ्री वन, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस थ्री फाइव फोर, ठीक है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, वन फोर सेवन, ठीक है। अब बताइए मुझे, ट्रांसपोज अगर मैंने लिया तो क्या वही मैट्रिक्स आया, देखिए टू माइनस थ्री वन, टू माइनस थ्री वन, माइनस थ्री फाइव फोर, माइनस थ्री फाइव फोर, वन फोर सेवन, वन फोर सेवन, ठीक है। इट मीन्स व्हाट कि ट्रांसपोज लिया हमने, वो भी किसके इक्वल आ गया, जो गिवन मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ गया, मतलब दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गया, ऐसे मैट्रिक्स क्या होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देने वाला हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। देखिए इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुआ, आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो वहीं से समझ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है कि एक मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है जीरो ई एफ माइनस ई, जीरो जी माइनस एफ माइनस जी एंड जीरो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, जीरो ई एफ, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी, माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी एंड जीरो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, इस ए ट्रांसपोज में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, देखिएगा अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू पूरे मैट्रिक्स में से, अच्छा माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, सपोज कोई मैट्रिक्स गिवन है टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो अगर मैं फाइव का मल्टीप्लाई करना चाहूं तो सभी एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो अगर मल्टीप्लाई हो सकता है किसी स्केलर नंबर का, इट मीन्स माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस वन को इसमें से क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, बात है कि, तो देखिए माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले रहा हूं पूरा मैट्रिक्स में से, तो क्या सभी एलिमेंट्स में से माइनस कॉमन आएगा, तो देखिए ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो नाइदर नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव, देखिए ई में से नेगेटिव कॉमन आएगा तो क्या होगा, प्लस ई, ए में से नेगेटिव कॉमन आएगा तो प्लस ए, जी ई में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस ई, जीरो में से नेगेटिव माइनस आ गया जीरो नेगेटिव कॉमन आया, जी में से माइनस साइन कॉमन आ गया तो क्या हो गया जी, एफ में से माइनस कॉमन आ गया माइनस एफ, जी में से माइनस कॉमन आ गया माइनस जी, और जीरो में से माइनस कॉमन आ गया जीरो, ठीक है। अब बताइए मुझे, देखिए ई जीरो ई एफ, जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी, माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो, माइनस एफ माइनस जी जीरो, ठीक है। एक मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ए जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस, और ये मैट्रिक्स कौन सा आपका ए, अगर बात समझ में, तो इसके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव ऑफ ए अगर आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, का ट्रांसपोज अगर ले तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है,
इट मीन्स व्हाट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू व्हाट ए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा ए डैश होल डैश इक्वल्स टू ए, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है आप उन दोनों को सम करते हैं प्लस करते हैं और उसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल, ठीक है। इंडिविजुअल डैश हो जाएगा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा होल डैश का, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा कोई ए मैट्रिक्स गिवन और बी मैट्रिक्स गिवन है अगर उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मैट्रिक्स आता है उसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा बी डैश ए डैश के इक्वल। ध्यान दीजिएगा ऑर्डर ध्यान दीजिएगा बी आगे आएगा और ए पीछे आएगा और वो भी क्या रहेगा डैश में रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स गिवन है ए बी अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं आप और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा बी डैश ए डैश के इक्वल, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी थी आपको याद रखना है तीन प्रॉपर्टी को इसी भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास एक्सरसाइज 3.3 में ए डैश होल डैश इक्वल टू ए ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश एंड ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड योर ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट गिवन है ए इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स गिवन आपको ए इक्वल्स टू 5 1/2 -1 हमने लेट कर लिया कि मैट्रिक्स क्या है ए तो मैट्रिक्स गिवन है 5 1/2 -1 इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना है कॉलम में गिवन है रो में कन्वर्ट कर दीजिए इसको तो देखिए क्या होगा ए ट्रांसपोज ए डी भी लिख सकते हैं ए डैश भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ये जो कॉलम है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रो में 5 1/2 -1 ठीक है 5 1/2 -1 ये कॉलम था ये किसमें आ गया रो में आ गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट एक बी मैट्रिक्स गिवन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 ठीक है। देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं क्या करना है आपको ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए -1 5 6 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1 ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया ट्रांसपोज आ गया बी डैश आ गया इसको आप बी टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अपन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड इफ ए इक्वल्स टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी इक्वल्स टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है ए प्लस बी होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ये आप प्रॉपर्टी अभी पढ़ चुके हैं अपन कि ए प्लस बी कोई भी दो मैट्रिक्स अगर उसका सम करें और उसका ट्रांसपोज ले तो किसके इक्वल आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं अपन। तो देखिए एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, ठीक है एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं अपन ए डैश। ए डैश क्या आएगा देखिए -1 2 3 रो में कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 ठीक है। ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बी का भी ट्रांसपोज ले लेते हैं बी ट्रांसपोज क्या जाएगा देखिए -4 1 -5 -4 1 -5 ठीक है 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 अब देखिए हमने क्या किया ए का भी ट्रांसपोज ले लिया बी का भी ट्रांसपोज ले लिया।
अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है, उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, देखिए इट मीन्स व्हाट, ए प्लस बी इट मीन्स व्हाट, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में प्लस करना। प्लस करना मतलब क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, थ्री क्रॉस थ्री है, थ्री क्रॉस थ्री है, तो ए को बी में प्लस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। तो देखिए माइनस वन माइनस फोर, ठीक है, माइनस वन प्लस माइनस फोर हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस फोर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, फाइव प्लस वन सिक्स, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन, वन प्लस थ्री फोर एंड वन प्लस वन इज टू। आगे बात समझ में, अब देखिए ए प्लस बी निकाली हमने, ए प्लस बी निकाली, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो देखिए, मतलब ये जो आया ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज लेना है। मतलब क्या करना है, तो रो को किसमें कन्वर्ट कर दे, कॉलम में कन्वर्ट कर दे। तो देखिए माइनस फाइव थ्री माइनस टू, माइनस फाइव थ्री माइनस टू, सिक्स नाइन नाइन, सिक्स नाइन नाइन, माइनस वन फोर टू, माइनस वन फोर टू, ठीक है। इसको किसके ऊपर प्रूव करना है, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश हम निकाल चुके हैं, बी डैश हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश क्या आएगा, यहां से देखिएगा, ए डैश हम निकाल चुके हैं, बी डैश हम निकाल चुके हैं, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, टू प्लस वन थ्री, सेवन प्लस टू नाइन, वन प्लस थ्री फोर, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, नाइन प्लस जीरो नाइन एंड वन प्लस वन टू। तो अब मुझे बताइए, ये जो आपका मैट्रिक्स आया और ये जो मैट्रिक्स आया, क्या ये दोनों इक्वल है? देखिए माइनस फाइव सिक्स माइनस वन, माइनस फाइव सिक्स माइनस वन, थ्री नाइन फोर, थ्री नाइन फोर, माइनस टू नाइन टू, माइनस टू नाइन टू। इट मीन बोल सकते हैं हम कि जो ए प्लस बी का होल डैश आएगा इसके इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट है वो आप खुद प्रूव करके देखिएगा। सेकेंड पार्ट जो है वो ये है, माइनस का साइन बस और कुछ भी नहीं है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इट मीन व्हाट, अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद ए माइनस बी निकालेंगे, हमने ए प्लस बी निकाला, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन एंड बी इक्वल टू माइनस वन टू वन वन टू थ्री, देन वेरीफाई दैट। सेकेंड पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकेंड पार्ट चेक कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। इसके जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में थे उसमें प्लस वाली जो प्रॉपर्टी वो प्रूव की थी हमने, यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव वाली माइनस वाली प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, ठीक है, हम इस ए ट्रांसपोज की हेल्प से ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए कैसे निकलेगा, इट मीन्स व्हाट, अगर मुझे ए निकालना है ए ट्रांसपोज से, तो इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये जो ए ट्रांसपोज है इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेता हूं मैं, तो ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए देखिए इस ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो थ्री फोर, थ्री फोर माइनस वन टू, माइनस वन टू, जीरो वन, जीरो वन। आगे समझ में, क्या क्या आपने, ये जो रो थी इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। नाउ ये बी है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखिए बी ट्रांसपोज क्या हो, बी ट्रांसपोज क्या हो, ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस वन टू वन, माइनस टू वन एंड वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। अब देखते हैं अपन ए माइनस बी करना है, पहले आपको ए माइनस बी करना है और उसका फिर क्या लेना है,
ट्रांसपोज पहला, तो देखिए पहला हम ए माइनस बी लिख लेते हैं, ए माइनस बी ये ए मैट्रिक्स है आपका और ये आपका बी मैट्रिक्स है। देखिएगा ध्यान से, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ए में से बी माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री, इसका ऑर्डर भी क्या है टू क्रॉस थ्री, इट मीन ये माइनस हो सकते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए एड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखिए थ्री में से माइनस वन गया, थ्री में से माइनस वन गया, तो थ्री माइनस वन और थ्री माइनस ऑफ माइनस वन हो जाएगा क्योंकि ए में से भी माइनस करना है, क्या हो जाएगा फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, जीरो माइनस वन माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, याद रखिएगा माइनस कर रहे हैं, टू में से टू गया जीरो एंड वन में से थ्री गया माइनस टू। आगे बात समझ में ठीक है, तो ये ए माइनस बी निकल आया, अब ए माइनस बी का हम क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चलो मैं यहां कर लेता हूं इसको, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो देख लीजिए क्या आ जाएगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये ए माइनस बी था इसी का ट्रांसपोज लेना है, फोर माइनस थ्री माइनस वन, थ्री जीरो माइनस टू, थ्री जीरो माइनस टू, ठीक है ये ए माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब देखते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में से, ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज माइनस करना है ये दोनों मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या देखिए, थ्री क्रॉस टू, थ्री रो एंड टू कॉलम, इसका क्या है थ्री क्रॉस टू, इट मीन ये माइनस हो सकते हैं, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे अपन, तो ए ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखिए थ्री माइनस ऑफ माइनस वन, फोर, फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, टू माइनस टू जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है। तो मुझे ये बताइए ए माइनस बी होल ट्रांसपोज क्या इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, देखिए फोर थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, इट मीन हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको ट्राई करिएगा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आ गया होगा, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस टू थ्री वन टू एंड बी इक्वल्स टू माइनस वन जीरो वन टू, देन फाइंड ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज, ए प्लस टू बी होल ट्रांसपोज। तो देखिए हमें क्या जरूरत है, ए की जरूरत है पहले तो, फिर क्या है बी की जरूरत है, बी में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बी हो जाएगा, फिर दोनों का सम कर देंगे और फिर उसका क्या ले लेंगे हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ए चाहिए, हमारे पास क्या गिवन है ए ट्रांसपोज, तो पहले ए निकाल लेते हैं, देखिए ए क्या हो जाएगा, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा ए, तो ये जो ए ट्रांसपोज है इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो देखिए ए कैसे निकलेगा, ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस टू थ्री एंड वन टू, वन टू, ये जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी जो आपके पास गिवन है टू बी का, टू बी निकाल लेते हैं, तो देखिए टू बी क्या आएगा, टू इंटू बी कैसा आएगा, टू का मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स में, माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो वन टू, क्लियर। तो किसी भी स्केलर नंबर का अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए टू बी क्या है, टू बी इक्वल्स टू टू माइनस टू मल्टीप्लाई में माइनस वन इज माइनस टू, टू मल्टीप्लाई में जीरो इज जीरो, टू मल्टीप्लाई में वन इज टू एंड टू मल्टीप्लाई में टू इज फोर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस टू बी, तो देखिए
प्लस टू बी कैसे फाइंड करेंगे? ए प्लस टू बी, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है आपको? एड करना है। देखिए एड हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है, टू प्लस टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड होंगे इसमें। तो देखिए माइनस टू प्लस वन माइनस टू, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस टू क्या हो जाएगा? माइनस फोर। नाउ वन प्लस जीरो वन, थ्री प्लस टू फाइव, एंड टू प्लस फोर इज सिक्स। ठीक है, ज्ञान है ए प्लस टू बी, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो देखिए ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज लेना है, इट मीन व्हाट? इसके जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ठीक है, देखिए ये रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस फोर वन फाइव सिक्स फाइव सिक्स, दिस इज योर ए प्लस टू बी ट्रांसपोज। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।